नोकिया 3310 फाइनली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में अनवील हो गया। HMD ग्लोबल जो इस फोन को वर्ल्ड वाइड बेचेंगे, उन्होंने इस फोन का फर्स्ट लुक और स्पेसिफिकेशन बता दिया है और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और स्वागत है आपका टेक 9 में। सितंबर 2000 में जब नोकिया 3310 लॉन्च हुआ था, इसने सेल्स के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे और सारे दुनिया में कम से कम 100 मिलियन से भी ज़्यादा फ़ोन ये बिक चुका है। अभी तक का एक बेहतरीन फीचर फ़ोन हम इसे कह सकते हैं। अगर हम इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है 2.4 इंच का स्क्रीन जो कि एक QVGA स्क्रीन है। स्टोरेज आपको इसमें 16 MB का मिलेगा और जिसे आप बढ़ा सकते हैं 32 GB तक एक एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड लगा के। दोस्तों इसमें कैमरा दिया गया है 2 MP का जो कि LED फ्लैश के साथ आएगा। साथ ही में इसमें आपको 3.5 mm का जैक मिलेगा जिसे आप अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। FM रेडियो का सपोर्ट इसमें दिया गया है। ब्लूटूथ 3.0 का सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा। और अगर नेटवर्क और कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको 2G का नेटवर्क मिलेगा दोस्तों। 3G, 4G या LTE इसमें नहीं दिया गया है, तो अगर 4G दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इसमें आपको 2G का ही सपोर्ट मिलेगा फिलहाल, जो भी इन्फॉर्मेशन HMD ग्लोबल ने इसके बारे में दिया है। और बैटरी इसमें आपको 1200 mAh का मिलेगा और HMD ग्लोबल ने ऐसा बताया कि इसमें आपको टॉक टाइम 22 घंटों का मिलेगा और स्टैंड बाय 31 दिन का। तो बैटरी के मामले में ये बहुत ही दमदार होने वाला है दोस्तों। और इसके अलावा ये फ़ोन आपको 4 कलर ऑप्शन में मिलेगा, वार्म रेड, डार्क ब्लू, येलो और ग्रे कलर में। अगर आपको याद है दोस्तों कि नोकिया 3310 में एक स्नेक गेम आता था जो बहुत ही पसंद था लोगों को, बहुत ही फेमस था, तो वो गेम भी दोबारा इस फ़ोन में लॉन्च हो रहा है, तो उसका भी मज़ा आप उठा सकते हैं अगर आप ये फीचर फ़ोन खरीदते हैं तो। दोस्तों दुनिया में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उन्हें एक अच्छा सा फीचर फ़ोन चाहिए जो एक अच्छे ब्रांड से हो, दमदार हो और जिसकी सर्विस बहुत अच्छी हो, तो उन लोगों के लिए ये फ़ोन बहुत ही अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट अगर हम चाहे तो इसे एक बैकअप फ़ोन के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसकी अगर साइज़ को देखा जाए तो, और जिस तरह का बैटरी बैकअप भी आपको देगा। प्राइसिंग भी दोस्तों इसकी ठीक ठाक है, फिलहाल इसकी प्राइसिंग 49 यूरो है। अगर हम उसको इंडिया के करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी प्राइसिंग अराउंड 3500 रुपये होती है। तो अभी नोकिया का ब्रांड है तो अपने ब्रांड के हिसाब से ही प्राइसिंग करेंगे, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे इस फ़ोन में एक ही कमी लगा दोस्तों, वो है इसकी 2G कनेक्टिविटी। अगर 2G के जगह अगर ये 4G कनेक्टिविटी दे देते तो बहुत ही अच्छा होता। तो ये आप मान के चलिए कि इसमें आपका जियो का सिम तो काम करने वाला नहीं है। अगर इंडिया में लॉन्च करने से पहले अगर वो इसमें 4G दे देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये था दोस्तों इस लेजेंडरी फ़ोन का फर्स्ट लुक और स्पेसिफिकेशन। तो आपके जो भी थॉट्स हैं आप जाके कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।